दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एन डीबीसी। आज का वीडियो दोस्तों है, बहुत सारे लोगों का कमेंट है, काफ़ी किसान भाइयों का कमेंट है कि सर अभी के टाइम पे जैसे ही हमारे मुर्गे का वज़न आया है और वज़न आने के बाद में मुर्गा बहुत ज़्यादा मर रहा है। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं एक एक करके बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन सी दवा कब लगानी होती है आपको। ये चीज़ अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, बाकी दोस्तों मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप मैनुअली भी बिना दवा के भी हीट स्ट्रोक को रोका जा सकता है। बाकी दोस्तों इसमें मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी दवाओं के बारे में मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और आप लोगों को बताते हैं कि हीट स्ट्रोक से बर्ड की मोर्टेलिटी को कैसे रोका जाए, इसके ऊपर है। तो दोस्तों आपके फार्म के अंदर यानी मॉर्निंग के समय में जैसे ही आप पानी लगाते हैं, अर्ली मॉर्निंग के पानी में, सुबह के पानी में जैसे ही आप पानी लगाते हैं, उस टाइम पे आपको करना क्या होगा कि सुबह में मान लीजिए कि अगर आपका बर्ड 500 लीटर पानी पी रहा है तो 500 लीटर पानी पूरे दिन में अगर पीता है तो आप क्या करेंगे कि 350 या 300 लीटर पानी भर करके और उसमें कोई भी जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉल पाउडर हो दोस्तों, जैसे कि यहाँ मेरे पास में ये है इलेक्ट्रोबोर्ड करके, तो मैं इसको चला रहा हूँ, पर आपके पास जो भी होगा दोस्तों उसको लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपको 300 लीटर पानी भर करके और लगा देना है, जो पानी आपका लगभग 2 बजे से लेकर 3 बजे तक चलना चाहिए इसको आप लगा दीजिए। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जैसे ही आपका बर्ड यानी ये पानी जो है अच्छी तरह से पी चुका हो, फिर यानी अगर आप 5 बजे इसको लगाते हैं दोस्तों या 6 बजे या 7 बजे तक लगाते हैं, बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो 7-8 बजा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे 9 बजे तक जब आप पानी लगाएं तो अर्ली मॉर्निंग के पानी में आप पहले इलेक्ट्रोल पाउडर लगाएंगे, इसके बाद में आपको लेना होगा पैरासीटामॉल प्लेन का लेना होगा दोस्तों। ये है पैरासीटामॉल 500 mg प्लेन का है दोस्तों, इसको आप लेंगे। तो इसको क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे आप देखिए ये है टुकड़ा, यानी 1/2 कर देना है और 1/2 टैबलेट्स को आपको हर एक ड्रिंकर में दोस्तों, यानी जो भी आपके पास जितने भी ड्रिंकर हो उतनी टैबलेट्स आप तोड़ लेंगे और आधी आधी टैबलेट्स यानी पूरा ड्रिंकर के हिसाब से आधा आधा टैबलेट हर एक ड्रिंकर में आपको डालते चले जाना है दोस्तों। जिससे क्या होगा कि लेकिन ये कितने बजे डालना है ये भी आप सुन लीजिए, ये लगभग 10 बजे तक आपको ये पैरासीटामोल जो है दोस्तों ये आपको 10 बजते बजते डाल देना है पानी में, ताकि जब बर्ड हीट में आता है यानी 10 बजे से लेकर के दोस्तों ये 11 बजे तक बर्ड एकदम पूरी तरीके से हीट हो जाता है, तो उससे पहले पहले इस टेबलेट को डाल देना है आपको पानी में और बर्ड को दोस्तों दौड़ा करके थोड़ा थोड़ा आधे आधे घंटे पे चला करके पानी पिलाते रहना है, जिससे आपके फार्म के अंदर मोर्टेलिटी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गर्मी के टाइम पे, हर एक बंदा यही कहता है कि भाई साहब मेरे फार्म में बहुत ही ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है। तो दोस्तों आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर लगा रहे हो लगाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इलेक्ट्रॉल के साथ में कोई भी ग्रोथ प्रमोटर चला सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और ना ही कोई प्रॉब्लम होगा। और उसके साथ में दोस्तों आपको जब मान लीजिए कि ग्रोथ प्रमोटर आपको यूज़ कर रहे हैं सुबह वाला, तो आप इलेक्ट्रॉल के साथ चला दीजिए, इसके बाद 11 बजे तक हर हाल में 10 से 11 बजे तक आपका वो पानी जो इलेक्ट्रॉल सॉरी ग्रोथ प्रमोटर आपने ड्रिंकर्स में यूज किया है वो लगभग ख़त्म हो चुका होगा। थोड़े पानी कम पानी में लगा, इसके बाद में तुरंत आपको पैरासीटामोल चला देना है दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि जो आपकी मोर्टेलिटी होती है हीट स्ट्रोक के कारण, वो उसका एक पहचान होता है,
वो मोटलिटी अक्सर करके साइड में होगी, यानी जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यानी साइड में बर्ड आएगा और यहीं पे मर जाएगा। और ये जो दोपहर के बाद में यानी 4 बजे तक, 4 बजे से 5 बजे और उससे पहले लगभग 3 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में ही हीट स्ट्रोक के कारण मोटलिटी होती है दोस्तों। तो आप लोग इस तरह से इन दो दवाओं का इस्तेमाल करिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।